फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल साइंसेस की। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज हम लेकर आए हैं जो हम लोग जनरेटिव एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, हम लोगों ने 9 नंबर के सॉल्यूशन तक के देखा है पार्ट 2 तक के वीडियो में। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप पार्ट 2 के वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई होगी, आप उसे खोलकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल बोल क्या रहा है, गिव एन एग्जांपल। हमको एग्जांपल देनी है। कैसा एग्जांपल? कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, हमको सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल आपको खुद से देना है तो आप आंसर में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर के तौर पर कि मेरा एक ऐसा रिलेशन है, L1 और L2 में रिलेशन दिखा रहे हैं जहां L1 परपेंडिकुलर है L2 में। L1 L2 में कैसा रिलेशन? तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि दो लाइनें हैं और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा रिलेशन बता रहा है। और फिर हमको चेक करना है कि क्या वाकई में सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए AR1 होना चाहिए, जानते हैं। सिमेट्रिक के लिए ARB से BRA होता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद अगर ARB BRC से ARC में होना चाहिए ट्रांजिटिव है, तो इस चीज़ें आपको पता होगा। ARA के लिए चेक करते हैं तो L1 L2 खुद में क्या खुद लाइन से परपेंडिकुलर हो सकता है? आपको तो मार्कर दिख रहा है, खुद में परपेंडिकुलर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए ये बातें गलत हो गया। सिमेट्री को यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं तो ARB से BRA मान लेते हैं कि A जो है B से परपेंडिकुलर है, और तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि B परपेंडिकुलर ये होगा B, इसको सही मानेंगे तो ये सही हो जाएगा। यानी कि ए बी पे परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि बी ए पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी और ए परपेंडिकुलर टू सी, ये दोनों को सही मान लें तो ये चीज़ें सही नहीं होगा। कारण क्योंकि मान लिया कि एक लाइन ए है जिस पे बी परपेंडिकुलर है, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये बी के साथ परपेंडिकुलर है। दूसरा हम दिखा है इसको बी रहने देते हैं और ये सी है, ये सी है और ये बी है, बी परपेंडिकुलर है तो सी है। तो क्या इसको सही मानने पे ये वाला लाइन तो यहाँ है, यहाँ कर दिया, सी वाला लाइन नीचे ही है तो ये और सी परपेंडिकुलर हुआ नहीं, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर नहीं होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब कि मेरे पास ये ए बी लाइन है, ए और बी परपेंडिकुलर है, मान लिया ए और बी परपेंडिकुलर है, ए यहाँ है बी यहाँ है, सी बी पे परपेंडिकुलर है तो बी सी पे परपेंडिकुलर होगा, या फिर आप बी वाले को ये मेरा डस्टर सी है, नीचे वाला ए बी, हम लेफ्ट वाले को सही करा रहे हैं, ए बी पे परपेंडिकुलर तो ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है डस्टर। तो क्या नीचे वाला ए और ऊपर वाला डस्टर दोनों क्या परपेंडिकुलर होंगे? नहीं, इसको अगर हटाएंगे तो दोनों देख लीजिए पैरेलल होंगे। यही कारण है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप इस एग्जांपल को लिख सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने तरीके से भी एग्जांपल ला सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी है यही एग्जांपल फिर बैठ सकते हैं। हम तो बोलेंगे कि आप बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं जो आप दे सकते हैं, बस आपके कंडीशन होना चाहिए कि सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो हम चीज़ों को चेक करके आपको बताना चाह रहे थे, आपको सिर्फ इतना आंसर करना है। चूंकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये फुलफिल हो रहा है, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव है। बाकी आप अपने से भी दसवां का दूसरा नंबर में हमको ऐसा एग्जांपल दे रहा है कि ट्रांजिटिव हो जाए बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो हम लोगों को आंसर में कौन सी ऐसी एग्जांपल देना होगा कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो हम आंसर में अगर रिलेशन निकाले ए और बी में ऐसा रिलेशन कि ए जो है हमेशा बी से बड़ा है, आप यहां से देख पा रहे हैं कि ए और बी में कैसा रिलेशन, ए बी से बड़ा है। चलिए चेक करते हैं ARA को, फिर चेक करेंगे ARB से
बी आर ए को, फिर चेक करते हैं ए आर बी, बी आर सी से ए आर सी। अब यहां तक आप चेक कर पा रहे होंगे तो ए और बी में कैसा रिलेशन, तो क्या खुद खुद का कोई, खुद खुद से कोई बड़ा हो सकता है? नहीं, फ्रैक्शन नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि बी ए से बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि ए बी से बड़ा है, इस बार बी इसको सही मान लेते हैं, कैसे सही हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये गलत है। अब इसका मतलब है कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं हमेशा कि ए सी से बड़ा होगा। जब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए बी सी से बड़ा ही होगा, ऐसा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम चेक कर प्रोवाइड करा दिए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा रिलेशन का, कि ए बी में कैसा रिलेशन है, तो ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव हुआ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हुआ। दसवां का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि हमको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाए बट ट्रांजिटिव नहीं हो, ऐसा क्या कौन सा एग्जाम्पल है? तो चलिए इसको थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मान लीजिए कि सेल कुछ है, सेल में एलिमेंट है 4, 6, 8, कुछ सारे एलिमेंट ले सकते हैं। अब इससे हम अपने तरीके से रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो रिलेशन बनाइए। सपोज दैट रिलेशन, देखिए रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो जितना भी एलिमेंट है सबको लेकर रिफ्लेक्सिव लेना होगा, तो 4, 4, 6, 6, 8, 8, अब तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक होने के लिए उसका अपोजिट होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ कि खुद खुद में होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। खुद खुद का मतलब है 4, 4, 6, 6, 8, 8। अब सिमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा जरूरत है, उल्टा का मतलब 4, 6 ले लिया तो फिर हमको 6, 4 लेना होगा। अगर 4, 8 ले लिया तो इसका उल्टा 8, 4 भी लेना होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि खुद खुद का रिलेशन तो है, रिफ्लेक्सिव तो हो जा रहा है, सबका उल्टा, जैसे इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, जितना भी सेट दिया हुआ है सबका उल्टा भी दिख रहा है। लेकिन ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, तो देखिए ट्रांजिटिव को चेक करने के दरमियान 4, 4, 4, 4 और 4, 6, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 4, 6 और 4, 8 या फिर देख लीजिए 8, 4 ये वाला ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए इसको मानिए ए और बी, 8, 4, इसको मानिए बी और सी, किसी को भी मान सकते हैं हम, किसी को भी ए बी और बी सी मान सकते हैं, और फिर देखते हैं कि यह क्या ए सी आता है, तो ए बी बी सी से 8, 6 मिलना चाहिए, जो कि 8, 6 इसमें नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सिंस चूंकि 8, 4 भी रिलेशन में है और 4, 6 भी रिलेशन में है, बट ए बी बी सी से 8, 6 इस रिलेशन में नहीं है, तो सो ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम रिलेशन का एग्जांपल सिर्फ इतना दे सकते हैं कि R बराबर जो रिलेशन बनेगा 4, 4, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 6, 4, 4, 8, 8, 4, इसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जा रहा है और ट्रांजिटिव हो जाए। दसवां का चौथा जो हमसे एग्जाम्पल बोल रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाए बट सिमेट्रिक नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट रिलेशन जो है वो ए बी में रिलेशन है, और ए बी में कैसा रिलेशन है, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा है और बराबर है। हम ए आर ए को चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, तो ए ए से छोटा और बराबर, तो ये इसलिए सही होगा क्योंकि छोटा तो है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक को, तो ए लेस देन इक्वल टू बी, क्या बी लेस देन इक्वल टू ए होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे हो जाएगा? ए बी से बड़ा, बड़ा या बराबर या छोटा है, लेकिन बी ए से छोटा तो नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। और ए आर बी, बी आर सी, ए आर सी इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो
तो सी ए से छोटा ही होगा, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा, यानी कि इसको सही मानने पे ये सही हो जा रहा है, इसीलिए ये रिलेटिव है। तो हमको ऐसे एग्जाम्पल देना था कि रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिलेटिव हो जाए, ऐसे मैटर पे नहीं हो, तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। पांचवा नंबर हमसे एग्जाम्पल पूछ रहा है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमको ऐसा एग्जाम्पल देना है कि सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए और रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो हम लोग ऐसा एग्जाम्पल तो हम लोग थ्योरी में भी किया था, बुक में भी, इससे भी हम लोग ऐसा निकाले थे। तो ऐसा रिलेशन है ए और बी में, ऐसा रिलेशन है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ ए बी का भाई है। ए और बी में कैसा रिलेशन है, ए और बी का भाई है, ए और बी, ए बी का भाई है। तो ये दोनों रिलेशन आप चेक कर पाएंगे, तो क्या खुद खुद का कोई भाई बहन माता पिता हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ऐसा हम थ्योरी में बता चुके हैं। आप थ्योरी की लिंक को जरूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से क्लियर चीजें हो जाएंगी। तो ए बी का भाई है और हम बता चुके थे खुद खुद का कुछ नहीं हो रहा है, तो कभी नहीं हो सकता है, ए का भाई हो ही नहीं सकता है। अब ए बी का भाई है तो क्या बोल सकते हैं कि बी ए का भाई है, बिल्कुल बोल सकते हैं। राम श्याम का भाई है तो हम बोल सकते हैं कि श्याम राम का भाई है, इसीलिए सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो क्या राम मोहन का भाई होगा, बिल्कुल होगा। ए बी भाई है आपस में, बी सी भी भाई है, तो ए बी सी भाई आपस में होंगे, यानी कि ए एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है, इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा था तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, हमेशा बार बार बोल रहे हैं, हालांकि ये फुलफिल होगा। ए और बी में ऐसा रिलेशन बनाएगी जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ ब्रदर कर सकते हैं, सिस्टर कर सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 की कि सो दैट हमको क्या दिखाना है, तो लास्ट में देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, और इक्विवेलेंस का मतलब हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। और शो करने वाले और प्रूव करने वाले केस में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को शो किया है, हम वहाँ पर डायरेक्ट बोलते हैं कि आप सिर्फ लैंग्वेज को लिखिए और सब में प्रूव प्रूव और सो इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ऐसा कराते चले जाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सवाल खुद ही बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंस दिखाना है, तो हम उसको इंक्लूड और कर देंगे लैंग्वेज को। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये हमको रिलेशन को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो, और इक्विवेलेंस क्या रिलेशन दिया हुआ है, तो पी और क्यू में रिलेशन जो दिया हुआ है वो कैसा रिलेशन है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। बोल रहा है कि पी और क्यू पॉइंट ओरिजिन से समान दूरी है, मतलब कि यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो यहाँ से P पॉइंट भी और यहाँ से Q पॉइंट भी दोनों का दूरी बराबर है। तो हमको उतना लैंग्वेज समझना जरूरी नहीं है, हमेशा चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को। तो पहले हम लोग चेक करते हैं, चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए फार्मूला क्या है, तो ए आर ए। अब ए आर ए का मतलब क्या, जब यहाँ से पी और क्यू में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज लिखेंगे, बस पी के जगह पे ए लिखेंगे और क्यू के जगह पे ए लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, ए पी के जगह पे ए फ्रॉम द ओरिजिन इज the same as the distance of the point A from the origin। अब इसका ए आर ए का तो मतलब यही हुआ, जब पी और क्यू का मतलब इतना मतलब था तो ए और ए आर ए का मतलब भी इतना होगा। और ये चीजें सही की गलत रिफ्लेक्सिव के जगह सिमेट्रिक चेक करना होगा
तो फार्मूला क्या लगाते ए आर बी से बी आर ए, बारी बारी से तीनों को चेक करेंगे, रिफ्लेक्टिव को चेक करा, फिर सिमेट्रिक को चेक करेंगे, फिर ट्रांजिटिव को चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग सातवें आठवें छठे सवाल में ऐसा कर रहे थे काम। तो ए आर बी का मतलब क्या, तो पहले लेफ्ट वाले का मतलब क्या है, लेफ्ट वाले को सही मानने पे राइट वाला सही होना चाहिए, तो लेफ्ट वाला का मीनिंग पहले लिखेंगे। Distance of the point A from the origin is the same as the distance of the point B. क्योंकि पहले A आया है तो पहले A, बाद में B तो बाद में B, क्यों? क्योंकि पहले B आया था तो पहले B लिखा हुआ था सवाल में, बाद में क्यों आया था तो बाद में क्यों लिखा था, तो इसका मतलब ये होगा ऑरिजिन। अब इतना छोड़ा नहीं है क्योंकि रिलेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज आप लिख सकते हैं उतना बेस्ट मार्क्स आते हैं। तो चलिए अभी लेफ्ट वाले को लिखा है, अब राइट वाला का मतलब लिखना है, तो राइट वाला का मतलब क्या होगा, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इसको लिखना ही पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द ऑरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस The distance of the point A from the origin. इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक लेफ्ट है और इसके बाद वाला राइट है, राइट में पहले बी आया है तो इसको पहले बी लिखेंगे, फिर ए आया है तो बाद में अंत में ए लिखेंगे, ए फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ से सोचना ही नहीं है, हमेशा हमेशा बोल रहे हैं कि रिलेशन क्या है, एक लैंग्वेज लैंग्वेज के बेसिस पे ये चैप्टर है, आप जितना अच्छे से लैंग्वेज लिख पाएंगे और ट्रू है कि फॉल्स है ये सब सारे को कॉन्सेप्चुअल दिखाएंगे तो आपको मार्क्स बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से चेक करना और दिमाग में लगाना है, उसके बाद देना है बीच बीच ट्रू ये सत्य है सो इट इज सिमेट्रिक। उसी तरीके से हम लोग ट्रांजिटिव भी चेक कर लेंगे, आपको पता ही होगा ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, तो फार्मूला ए आर बी बी आर सी से मिलना चाहिए ए आर सी, तो ए आर बी का मीनिंग यही रहेगा, बी आर सी का मीनिंग यहाँ चेंज हो जाएगा, एंड लिख सकते हैं एंड डिस्टेंस ऑफ द बी फ्रॉम द सी, यानी कि ए बी और बी सी समान दूरी पर है तो ए सी भी समान दूरी पर होगा, सिंपल है। अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट है यहाँ से इतना डिस्टेंस पे ए है, इतना डिस्टेंस पे बी है और इतना डिस्टेंस पे सी है, तो ए जितना ए होगा ओ से ओरिजिन से उतना ही ओरिजिन से सी भी होगा, इसका मतलब ये होगा इसको इसको सही मान लेते हैं ये चीजें सही हो जाएगा। और पहले बारी बारी से रिफ्लेक्सिव को चेक कर लिया, सिमेट्रिक को चेक कर लिया, ट्रांजिटिव को चेक कर लिया, तो अंत में लिख देंगे कि देयर आफ्टर इट रिलेशन इज दिस रिलेशन इज दिस रिलेशन ट्रू, तो ऐसे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें भी शो करना है, तो क्या हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें भी हमको इक्विवेलेंस रिलेशन करना है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो T1 और T2 में रिलेशन दिया है कि T1 और T2 कैसा सिमिलर है, यानी कि एक ही समान त्रिभुज है, T का मतलब ट्रायंगल है और दोनों में रिलेशन कैसा दिया हुआ है, तो T1 इज सिमिलर टू T2, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, तो T1 रिलेशन है T2, कैसा रिलेशन है, तो T1 इज सिमिलर टू T2, ये सिमिलर का साइन है, T1 जो है T2 के सिमिलर है, तो हम लोग क्या हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने का फार्मूला क्या, ए आर ए, तो ए आर ए का मतलब क्या, सिमिलर टू ए, क्या है सही बात की गलत बात, यानी कि ए वन इज टू सिमिलर टू ए, ए इज सिमिलर टू ए, खुद खुद का, तो खुद खुद का सिमिलर, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसे, तो एक जैसे एकदम हो सकते हैं, तो which is true, so it is reflexive, reflexive हो जाएंगे। अब हमको चेक करना होगा symmetric, तो चेक symmetric, symmetric कैसे चेक करेंगे, तो ARB को सही मानने पे BRA होना चाहिए, तो ARB का मतलब क्या, ARB का मतलब AB के सिमिलर है, तो AB जब सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि B सिमिलर है A के, बिल्कुल बोल सकते हैं, तो ये भी क्या है सही है, which is true, ये सही है, so it is symmetric, बोल सकते हैं कि symmetric है। फिर आगे हम लोग इसी को चेक कर सकते हैं, चेक ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव को चेक कैसे करते हैं, तो ए आर बी, बी आर सी से ए आर सी। अब ए आर बी का मतलब क्या, ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो बोल सकते हैं कि ए सी के सिमिलर होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। विच इज ट्रू, ये भी सत्य है, सो इट इज ट्रांजिटिव। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी के समान है, बी सी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए और सी भी आपस में बराबर होगा, इसलिए ट्रांजिटिव है। तो हमको बस हमेशा शो करने वाले में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब में ट्रू है करके काम कर लेंगे तो इक्विवेलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में भी आप देख पा रहे होंगे शो करने वाला क्वेश्चन है। अब क्या शो करना है, तो इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब तो आप बहुत हद तक सीख चुके होंगे। तो अब इसमें बोल रहा है कि पी, पी का मतलब इसमें आप अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन का जो मेन बात है उसको हम पहले छांट के लिख दिए हैं। पी का मतलब लिखा हुआ है पॉलीगोन, पॉलीगोन का मतलब जिसके बहुत सारे भुजाएं हैं उसको बोलते हैं पॉलीगोन। तो पी वन और पी टू दोनों अलग अलग पॉलीगोन है, और दोनों में कैसा रिलेशन है, तो पी वन और पी टू का एक ही साइड है, यानी कि एक पॉलीगोन ये है, एक पॉलीगोन ये है, और दोनों का एक ही साइड का मतलब है कि दोनों को अगर सटा के रख रहे हैं तो एक ही साइड दोनों में, और दोनों में कॉमन हो जा रहा है, एक ही भुजा दोनों में आ रहा है। तो पी वन और पी टू में कैसा रिलेशन बनाया कि पी वन और पी टू का साइड सेम ही है, दोनों का सेम साइड है, सेम नंबर ऑफ साइड, सॉरी नंबर ऑफ साइड का मतलब होता है कि भुजाओं की संख्या। तो पी वन में भी 5 भुजाएं है, 8 भुजाएं है, पी टू में भी 8 भुजाएं है, कॉमन नहीं, सॉरी गलती से बुला गया। तो पी वन और पी टू है सेम नंबर ऑफ साइड का मतलब ये हुआ कि भुजाओं की संख्या दोनों पॉलीगोन में बराबर है, और वो बताना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सेम थिंग्स चेक करने के लिए ए आर ए, ए आर ए का मतलब क्या है, लिखना पड़ेगा कि ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड, क्योंकि P1 और P2 में कैसा रिलेशन था, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो यहां हो जाएगा A एंड A हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि ये सही है, व्हिच इज ट्रू, ये सही है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए A R B से B आ रहे, तो A R B का मतलब यहां लिखेंगे A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड, और बी आर ए का मतलब लिखेंगे बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड, और ये क्या है, तो ये चीज ट्रू है। तो हम सब लाइवल वैसे ही ए आर बी का मतलब क्या लिखेंगे, ए आर बी का मतलब लिखेंगे ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड, और बी सी का मतलब लिखेंगे बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ साइड, और इससे इस यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड, B and C have same number of side, और यहाँ A R C का मतलब A and C have same number of side। अब यहाँ से true होगा कि false, तो आपको तो सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम को show करना है कि equivalence, तो इसको भी true करना पड़ेगा, तो यहाँ तीनों चीजें true होंगी, और इसी यहाँ तो मैं लिख देंगे कि equivalence है। चलिए अब 14 नंबर पे देखते हैं। 14 नंबर में बताया है कि L L जो represent कर रहा है वो सेट ऑफ लाइन, बहुत सारे लाइन का एक सेट बता रहा है जिसको L से सूचित कर रहे हैं, और वो एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन में L क्या है, तो सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, सेट सभी लाइनों का सेट है जिसको L बोल रहे हैं, और वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और रिलेशन जो दिया हुआ है ये रिलेशन देखिए कि L1 और L2 में कैसा रिलेशन है, तो L1 L2 के पैरेलल है, और फिर हमको शो करना है कि ये कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त हमको क्या दिया हुआ है, तो L1 और L2 में रिलेशन दिया हुआ है, और L1 और L2 में कैसा रिलेशन दिया हुआ है, तो L1 पैरेलल टू L2, ये रिलेशन दिया हुआ, फिर हमको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए आर ए चाहिए, और ए आर ए का मतलब हुआ ए पैरेलल ए। अब ये सही बात की गलत बात तो सोचना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। व्हिच इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, मतलब कि खुद खुद के पैरेलल, तो एक खुद खुद का पैरेलल है, बोल सकते हैं कि एक लाइन है, उसी लाइन पे अगर हम ऐसे रख देते हैं तो वो तो एक ही लाइन हुआ, जैसे हम दिखाते हैं एक लाइन है, और ये खुद खुद का भी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि हम इसी पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
तो पता नहीं चलेगा कि उस पर कितना लाइन ड्रॉ की हुई है, इसलिए बोल जाते हैं कि खुद खुद में पैरेलल हो सकते हैं। दूसरा कि ए बी के पैरेलल है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि बी ए के पैरेलल है? बिल्कुल सही, तो यहाँ भी लिख रहा है अपना लैंग्वेज, लैंग्वेज तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लिखे, तो विच इज ट्रू, सो इट इज सिमेट्रिक। अब ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो क्या बोल सकते हैं कि ए सी के पैरेलल है? बिल्कुल सही, क्योंकि ए बी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल, तो ए और सी भी पैरेलल हो सकते हैं। तो ऐसे चीजों को समझ सकते हैं। तो हम तो बोलेंगे कि समझना नहीं है, जब सवाल में प्रूफ दिया रहेगा या शो करना रहेगा रिलेशन वाले चैप्टर में, तो डायरेक्ट आप तीनों को ट्रू करा दीजिए। यहाँ पर देंगे रीच इज ट्रू, सो इट इज कन्वर्जेंट। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन नंबर में आपको सेट दिया हुआ है, ये सेट गिवन है और रिलेशन भी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इस रिलेशन को आप बताओ कि कौन सा रिलेशन है, चेक करके रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो हम लोग चलिए चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। ऐसे 15 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप में है, इसमें ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो हम ऑप्शन को नहीं लिखे हैं, आपके पास बुक होगा आप खुद से देख लीजिएगा। तो पहला बात कि रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब जितना भी सेट में दिया हुआ है, जितना भी सेट में दिया हुआ है सब आना चाहिए। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव को यस तभी करेंगे जब 1 1 हो 2 2 हो 3 3 4 4 हो, खुद खुद का सब होना चाहिए। तो 1 1 ढूंढते हैं तो है, 2 2 ढूंढते हैं तो है, 3 3 ढूंढते हैं तो है, 4 4 ढूंढते हैं तो है। इसका मतलब ये हुआ कि खुद खुद में चारों है, इसका मतलब हम लोग पहला कंक्लूजन निकाले कि रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक तभी चेक करेंगे जितना चीजें दी हुई है कि उसका उल्टा चीज दिखना चाहिए, जैसे 1 2 का उल्टा 2 1 दिखना चाहिए, तो नहीं है। अगर 1 2 का दिया हुआ है तो इसका उल्टा 2 1 है, नहीं है। तो यही तो काम फेल हो गया, तो हम आगे चेक करेंगे ही, क्यों करेंगे? आखिर तो मेरे को एक काम भी गड़बड़ दिखेगा तो वो चीज तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ से पता चला कि सिमेट्रिक नहीं है, कारण क्या था कि इसका उल्टा भी नहीं है। एक अलग बात है कि 3 2 का अगर 2 3 भी दिया रहता तो कभी तो 1 2 1 2 1 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, 1 3 का भी नहीं दिया है उल्टा, 3 2 का भी नहीं दिया है, 1 2 का भी नहीं दिया है। हालांकि एक काम गड़बड़ हुआ तो सब काम गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे 4 4 4 का अगर नहीं दिया रहता तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ जितना भी सेट में दिया है सब आनी चाहिए, तो सब आई थी, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव बोल चुके हैं। सिमेट्रिक इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसका उल्टा दिखे नहीं रहा है, और खासकर इसका भी उल्टा नहीं दिख रहा है, इसका भी उल्टा नहीं दिख रहा है। चलिए चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए ए आर बी, बी आर सी से ए आर सी चाहिए। तो अब 1 2 2 2 तो 1 2 है तो खुद है, हम चलिए चेक करते हैं 1 3 3 2, इसको मान लीजिए ए बी बी सी, तो 1 2 तो है, देख लीजिए। किसी को भी चेक कर सकते हैं, ए बी बी का जब तीन लिए हैं तो यहाँ भी तीन लेना पड़ेगा, ए बी बी सी से ए सी लेना चाहिए, तो 1 2 है। अब आप किसी से भी देख लेते हैं, जैसे अब जो बोला कि सर बी का वैल्यू 3 है तो ए बी इसको बी सी ले लीजिए, तो ए बी बी सी से 1 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 तो खुद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ट्रांजिटिव हो जा रहा है। तो कंक्लूजन निकला कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, ट्रांजिटिव हो जा रहा है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी नंबर सही है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नंबर था, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो बी नंबर पे ऐसा लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसका आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में सेट दिया हुआ है कि भाई किसका सेट है, तो सेट है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि कहां से कहां तक होता है, 1 2 3 4 कहां तक, तो 15 तक, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। अब हम रिलेशन को थोड़ा सा देखें, तो रिलेशन में क्या बता रहा है कि ए और बी में कैसा रिलेशन है, तो ए बराबर बी माइनस 2 है, यानी कि ए का वैल्यू बी में से 2 घटाने पर मिलना चाहिए। ए और बी का सेट है और ए का मान कैसे मिलना चाहिए, तो बी में से 2 घटाने पर मिलना चाहिए। अब b का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन है कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ कि a का मान
इसमें से दो घटाने पे मिलना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? तो पहला तो ये कंडीशन हुआ कि जो b का वैल्यू यहाँ वाला निकलने वाला है वो b का वैल्यू 6 से बड़ा होगा। अब 6 से बड़ा का मतलब ये हुआ कि 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो b का वैल्यू 6 से बड़ा होगा। तो b का वैल्यू तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये बनाया हुआ है पहले a रखना है, कोऑर्डिनेट में पहले a को रखना है फिर b को रखना है, और यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है, तो b का वैल्यू 4 इसलिए नहीं हो सकता है। इस सवाल में b का वैल्यू क्या हो रहा है? 6 से बड़ा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा में b का वैल्यू 8 है तो सही होने का संभावना है। तो अब सही होने का संभावना है तो इसको चेक किया जाए, b का वैल्यू 8 है जो कि 6 से बड़ा है। अब यहाँ पे अगर 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या 3 बचेगा? नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे b का वैल्यू सभी ऑप्शन से ही चेक करने वाले थे, इसलिए ऑप्शन सभी ऑप्शन को लिखे हुए हैं। तो b का वैल्यू अगर 8 लेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ 6 से बड़ा लेंगे नहीं बोल रहे, भले ही नेचुरल नंबर इनफिनिटी तक होता है लेकिन यहाँ जो कंडीशन है उसी को फॉलो करेंगे। तो b का वैल्यू 8 हुआ और 8 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 नहीं आ रहा है, इसके वजह से a का वैल्यू फुलफिल नहीं हो रहा, तो गलत है। अगर इस a का वैल्यू 8 ले सकते हैं बिल्कुल सही, अगर 8 लेंगे तो 2 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, बिल्कुल सही। b वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या b का वैल्यू 7 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 7 अगर लेंगे तो 7 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 8 हो ही सकता है, तो ऐसे ऑप्शन से चेक करेंगे तो राइट आंसर बनेगा सी, आंसर बना सी। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.1 का। तो आप सीख चुके होंगे, देख चुके होंगे कि रिलेशन आपको जितनी हार्ड लगती थी उतनी हार्ड बिल्कुल नहीं है, आप चीजों को बिल्कुल डीपली समझिए, और रिलेशन है तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है नहीं, सिर्फ लैंग्वेज पे डिपेंड है। आप लैंग्वेज को देखेंगे, चाहे इक्विवेलेंस हो, चाहे रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नेगेटिव जो भी हो, तो चीजें आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल, आप चीजों को बढ़िया से समझते रहिए। तो अब एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का पहले हम लोग थ्योरी का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो आप बिल्कुल मेरे से जुड़े रहे, पहले थ्योरी की वीडियो आपको आएगी, उसके बाद वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।